इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तालिबान के कब्जे के चार दिन बाद अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी सामने आए। पूरा देश उनको भगोड़ा बोल रहा है, कोई बोल रहा है वो देश का पैसा लेकर भाग गए। अब सारे आरोपों पर कल उन्होंने सफाई दी। गनी ने साफ कहा कि वो यूएई में है। अफगानिस्तान के करीब 4 करोड़ लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब बुरा वक्त आएगा तो उनका भाग्य बदलने वाला उनका नेता उन्हें मुश्किल की घड़ी में छोड़कर भाग जाएगा। अफगानिस्तान दर्द की सुनामी में डूबा हुआ है और जिसके ऊपर अफगानिस्तान को इस सुनामी से निकालने की जिम्मेदारी थी, वो यूएई से फेसबुक पर लाइव दे रहा था। अपनी जान बख्शने के बदले तालिबान को सत्ता सौंप कर देश से भागने वाले पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी दुनिया के सामने आए तो अपने देशवासियों को सफाई दी। कहा जो कुछ भी उनके खिलाफ कहा जा रहा है सब झूठ है, सब बेमानी है। अपने पहले संदेश में पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बताया कि वो देश छोड़कर क्यों चले गए। अशरफ गनी ने बताया कि पैसे लेकर भागने वाली कहानियों में कितनी सच्चाई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर वो अफगानिस्तान में रहते तो कितना कत्लेआम होता। अपना देश तालिबानियों के हवाले कर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति भाग खड़े हुए। अब अशरफ गनी अबू धाबी में हैं और अफगानिस्तान में सैटेलाइट से जमीन तक एक ही चीज दिखाई दे रही है, तालिबानी आतंकियों का आतंक। अशरफ गनी कहते हैं कि अगर वो अफगानिस्तान में रुक जाते तो काबुल इससे भी ज्यादा लाल हो जाता। मैं शांति से तालिबान को सत्ता हस्तांतरित करना चाहता था, लेकिन मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ अफगानिस्तान से निकाल दिया गया। अगर मैं काबुल में रहता तो मैं खून खराबा देखता। अफगानिस्तान छोड़ना सुरक्षा कारणों से रक्तपात से बचने के लिए था। अतीत में कई अफगान शासक जरूरत की घड़ी में अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं और फिर लौट आए हैं। अशरफ गनी बोल रहे हैं कि मैं अफगानिस्तान को बचाने के लिए भागा था, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे कि अफगानिस्तान में 20 सालों बाद तालिबान फिर से ताकतवर हो गया और एक आतंकी संगठन ने एक देश की सत्ता संभाल ली। अमेरिका भी बोल रहा है कि अशरफ गनी लड़े नहीं, भाग गए। गोड़े राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगानिस्तान को बर्बर तालिबान के हवाले कर दिया। अफगानिस्तान में हर तरफ दौड़ते भागते लोगों का हुजूम अफगानिस्तान की तबाही की गवाही दे रहा है। 4 दिन पहले तक इस प्रेसिडेंट पैलेस में अशरफ गनी बैठा करते थे, पर तालिबान की ऐसी दहशत छाई कि काबुल में तालिबान के दाखिल होने से पहले ही वो अपने पूरे परिवार के साथ इस प्रेसिडेंट पैलेस और काबुल को छोड़कर विदेश भाग गए। और सिर्फ भागे ही नहीं, हेलीकॉप्टर में अपने साथ नोटों से भरा बैग भी लेकर गए। अफगानियों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन कल शाम जब सामने आए तो उन्होंने इन खबरों को प्रोपोगंडा करार दिया। मैं कष्ट फरार व जलावतनी ना दारा। ये आरोप कि मैंने अफगानिस्तान से पैसे लिए हैं निराधार है। आप इसे संयुक्त अरब अमीरात सीमा शुल्क के साथ सत्यापित कर सकते हैं। मेरे पास अपने जूते बदलने का समय नहीं था। मेरी सुरक्षा मुझे जाने के लिए कहती है। राज्य के प्रमुख के रूप में मेरे लिए आसान नहीं था। अशरफ गनी बोल रहे हैं कि उन्हें जूते बदलने तक का मौका नहीं मिला। तो 2 महीने से जब तालिबान आगे बढ़ रहा था तो वो कहाँ थे? ये तस्वीर बताती है कि जब राजा अपना स्वार्थ समेटकर बोरिया बिस्तरा बांध कर किसी देश से निकल लेता है तो क्या होता है। ये तस्वीरें बताती है कि जब अधूरी इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति लीडरशिप करता है और जंग का मैदान सामने होता है तो क्या होता है, किस तरह की बदहवासी फैलती है, कैसी भगदड़ मचती है और कैसे आम लोगों के दुख दर्द का तमाशा बन जाता है। ये शायद अशरफ गनी देखना नहीं चाहते थे, इसलिए बिना जूता बदले अफगानिस्तान छोड़कर निकल गए। AK-47 पर यकीन करने वाले कट्टरपंथी अब सत्ता पर काबिज हैं। अशरफ गनी के देश छोड़कर भागने के बाद इस प्रेसिडेंट पैलेस में तालिबान का अब वो कौन नेता बैठेगा जो अफगान का नया हुक्मरान होगा। सवाल यह भी है कि 70,000 तालिबान आतंकियों का वो कौन सरदार है जिसकी एक आवाज पर तालिबान लड़ा के उसका हुक्म बजाएंगे, क्योंकि अशरफ गनी का कहना है कि तालिबान के अंदर ही भरोसे की कमी है। जो उन्होंने अफगान सरकार के साथ डील की थी वो तो उन्होंने काबुल में कुचल कर रख दी। काबुल एयरपोर्ट का भयानक और खौफनाक वीडियो आया है, दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें
बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।